राधा गोविंद जय जय राधा कृष्ण झूला मेला जय 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 गौरा जय सचिनंदन जय गौरा जय सचिनंदन जय गौरा
नंदन जय गौरहारी, जय सची नंदन जय गौरहारी, जय सची नंदन जय गौरहारी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ जय बलदेव प्रभु बलदेव
रात को खींचना नहीं, बोल दिया रात को खींचना नहीं, पकड़ कर चलो।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिया द्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिया द्वैत हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गाड़ी को धीरे धीरे चलाते रहो हरे हरे धीरे धीरे चलाते रहो धीरे धीरे हरे राम धीरे धीरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Thank you.
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you.
Así que वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय 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 राधा रमन हरि जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय हरी बोल 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 हरी ब
कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एक बार से बोलेंगे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 अपने दर्शन देने खुद स्वयं बाहर निकले हैं तो सभी अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सबसे निवेदन है सभी अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सभी बोले एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा
Rock!
जी की असीम कृपा से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है और हमारे रोहिणी प्रभु जी गुरुदेव की कृपा से देखिए जगन्नाथ जी के सेवक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं और आप तीन तीन तिलक लगा के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने तीन तीन वाटर पीने का हाँ इसे तो निपटा लेंगे आज के तो ये गर्म हो गई है Hare 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 Rama Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरि बोल। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये राष्ट्रीय राधा माधव मंदिर है और हमारे आप सबने गीता प्रेस का नाम सुना होगा और गीता प्रेस में हमारे श्री हनुमान प्रसाद पंडा जी और मुझे राधा बाबा स्वामी राम सुखदास जी महाराज उन सबका आश्रय लेकर हम लोग यहाँ भजन कर रहे हैं और हमारे पूज्य श्री नरेश भैया जी द्वारा ये संचालित है हमारा। सभी लोग दर्शन करेंगे, राधा माधव सरकार ऊपर विराजित है और बहुत ही सुंदर दर्शन है महाराज, एक बार दर्शन करके आए फिर यहाँ पर कीर्तन चलता रहेगा इसमें। हरि बोल, हरि बोल बोलिए एक बार बोलते श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा माधव सरकार की जय, श्री राधे द्वैता गदाधर शिव साधि
गौभक्त वृंदा श्री कृष्ण से प्रभु राधे तो गदाधर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे गोविंद गोविंद राज गोविंद गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Right on.
राधे 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 हरे कृष्ण माइक की आवाज तेज कर दो अभी नहीं गाएंगे भी आएंगे हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा एक जगन्नाथ जी का एक प्रिय कीर्तन है हम लोग यहाँ बैठ करके
ये जगन्नाथ जी का ये प्रिय कीर्तन को हम पांच मिनट तक सुनेंगे। सब तो बैठ जा, नीचे बैठ जा, ये मत समझो ये मिट्टी और झोले है, जहाँ ठाकुर जी का नाम वहाँ पर वृंदावन का है। सबके सब नीचे बैठ जाओ, सबके सब ये ठाकुर जी का चरण है, सबके सब बैठ जाओ, सबके सब नीचे। हरे कृष्णा, अरे मुझे हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कर लेना जहाँ जगह मिले जगन्नाथ। हाँ सबके सब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सबके सब। यहाँ झूला नहीं है, ठाकुर जी के चरण है। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री ताऊ भैया की, सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, गौर ब्रह्मानंद। देखो ये जो कीर्तन है, ये कवि जयदेव का रचना कीर्तन है। ये कीर्तन का नाम है मंगल गीत। मंगल गीत का मतलब क्या होता है? अगर कहीं भी किसी काम करने जाओ, अगर ये भजन को पहले बोल करके करो, वो काम जरूर मंगल होगा। इसलिए ये भजन का नाम है मंगल गीत। कभी ये भजन का क्या महिमा है, ध्यान से बोलना। अरे आवाज भी करो, हरे कृष्णा। देखो ये जगन्नाथपुरी में कोई एक देवदासी थी। यदि ये देवदासी कहते हैं किसको? बोले जो माताएं, जो स्त्रियां प्रतिज्ञा करें हम जितने एक बार शादी नहीं करेंगे, हमारा जो पति है वो जगन्नाथ ही हमारा पति है, कृष्ण ही हमारा पति है, और जिंदे की बार शादी नहीं करते हुए जो ब्रह्मचर्य को पालन करती हैं जगन्नाथपुरी में, उनको कहते हैं देवदासी। ये देवदासी जब तक जगन्नाथ जी को ये भजन नहीं सुनाएंगे, जब जगन्नाथ जी सो करके उठते हैं, ये भजन सो सुन कर करके ही उठते हैं। जब जगन्नाथ जी सोते हैं और ये भजन सुन कर के ही जगन्नाथ जी सोते हैं, और जगन्नाथ जी के गले में जो फूल की जो माला, तुलसी की माला, एक एक पत्ते में ये एक एक श्लोक को लिखने पर तभी जगन्नाथ जी वो माला को धारण करते हैं। जगन्नाथ जी के शरीर में जो दुपट्टा है, जब तक ये भजन लिखा नहीं होगा, जगन्नाथ जी उसको धारण नहीं करेंगे। हाँ देखो, एक समय श्री जगन्नाथपुरी में कोई एक देवदासी थी, वो बैगन तोड़ते समय ये भजन को गा रही थी, और ये भजन में राधा रानी की बड़ी महिमा है। आप लोग को देखना, आप लोग कोई वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठाओ तो। हाँ बताओ, हुआ किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो। वहाँ पर सबके कोई बांके बिहारी कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पर सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले क्यों? वहाँ कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हैं, वहाँ पर राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? कारण क्या है? ये कृष्ण खुद कहते हैं, बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम। अगर किसी ने केवल रा कर बोल दिया, कृष्ण कहते हुए तो सोच में पड़ जाता हूँ, इसको मैं दू क्या, क्योंकि मेरी राधा रानी का रा अक्षर बोल दिया। कृष्ण खुद को खुद उसको दे देते हैं और अपना भक्ति प्रेम दे देते हैं। अगर कोई धा बोल दिया, रा और धा, अगर किसी ने ये दो अक्षर बोल दिया तो कृष्ण उसको पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसलिए आप लोग एक भजन सुने होंगे, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे दीवानी, राधे राधे रटो चले आएंगे दीवानी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हो गया, इसलिए राधा रानी का नाम लेते ही बिहारी जी वो भागते भागते वहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये देवदासी ये मंगल गीत को गा रही थी और बैगन तोड़ रही थी, उसमें तो श्री राधा रानी की, जगन्नाथ जी की महिमा। जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ दिए, छोड़ करके पहुँच गए वो बगीचा में, और वो बेचारी बैगन तोड़ते रही और भजन को गाती रही, और जगन्नाथ जी उसको पीछे 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 भजन को सुनते रहे। जगन्नाथ जी के शरीर में जो पीताम्बर पहना करके पुजारी रखा था, और बैगन पेड़ के कांटा में लग करके सारे कपड़े फट गया, और जगन्नाथ जी के शरीर में सबके सब दाग आ गया। जब भजन समाप्त तो हो गया, ठाकुर जी आए, जगन्नाथ जी चुपचाप सो गए। जब पुजारी मंदिर खुला, देखा जगन्नाथ जी की सारे कपड़े फटे हुए और ठाकुर जी के शरीर में सब कांटा के दाग पड़ा हुआ है। वहाँ के राजा बड़े भक्त है जगन्नाथ जी का, राजा जी को बुलाए, बोले जगन्नाथ जी को तो ये क्या हालत है?
जब थोड़ी सी उनको झपकी आई, जगन्नाथ जी उनको सपने में आए, बोले देखो राजा कोई चिंता मत करो, मेरी कोई एक देवदासी ये कभी जयदेव का मंगल गीत गाते हुए ये भजन गा रहा था, जहाँ पर राधा जी का नाम हो महिमा हो मैं तो भाग भाग कर जाता हूँ, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, बड़े खुश हूँ। तब से जगन्नाथपुरी में राजा ने अनाउंसमेंट किया, जगन्नाथपुरी में कोई भी ये भजन को गा नहीं सकते हैं, वहीं पर गाया जाए जहाँ पर राधा कृष्ण की मंदिर हो, नहीं तो श्री जगन्नाथ जी हो वहीं पर ही भजन गाया जाए, जहाँ तहाँ ये भजन को मत गाया करो, क्योंकि जगन्नाथ जी को कष्ट होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी को भाग भाग कर वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए अभी मैं दो लाइन इसको गाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराना, ये बड़े सुंदर भजन है, कभी जयदेव का मंगल गीत, ये गीत गोविंद का ये भजन है, बोले जय जय दे बाहरे, 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 जय जगन्नाथ हरि बोल, जय जगन्नाथ हरि, जय जय दे जी को इतने प्रिय और राधा रानी को इतने प्रिय क्यों है? देखो भजन में क्या गाते हैं, जगन्नाथ जी का जितने ड्रेस है, कृष्ण जो कुछ ड्रेस पहनते हैं ये केवल राधा रानी की प्रीति के लिए, जगन्नाथ जी का जो कपड़े का रंग कैसे, कृष्ण जो कपड़े का रंग पहनते हैं, कपड़े का रंग कैसे हमको पता है, कौन सा रंग के कृष्ण कपड़े पहनते हैं बोलो, पीला, और किसी कलर का पीला रंग क्यों नहीं पहनते, कारण है राधा रानी का जो अंग कांति है वो तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का अंग कांति वो पीला रंग है, इसलिए मानस भी जगन्नाथ जी इसलिए पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, राधा रानी का प्रति इनकी विशेष प्रेम है। आप बताओ राधा रानी कौन सा रंग की साड़ी पहनती है बोलो, नीला, बोले क्यों, क्योंकि कृष्ण का जो रंग है वो नीला रंग है, राधा रानी का जो चुंदरी का रंग कौन सा रंग है जानते हो, राधा रानी का चुंदरी का रंग कैसे है, कहते गुलाबी, बोले कारण क्या, कहते गुलाबी इसलिए जो अनुराग जो प्रेम का जो रंग है वो गुलाबी रंग है, इसलिए मानो कृष्ण रंग में, कृष्ण प्रेम के रंग में राधा रानी अपना सारा शरीर को ढक करके रखी, और जगन्नाथ जो माला पहनते हैं
कहते कलित ललित वनमाला, वो माला को कौन बनाती हैं? बोले स्वयं किशोरी राधा रानी अपना हाथों से गले से लेकर के चरण तक जो माला है वो चूंकि राधा रानी बनाती हैं। कभी 5 रंग का फूल, कभी 7 रंग के फूल। बोले क्यों? बोले जो रस है वो 12 रस है, इसलिए 5 मुख्य रस और 7 गौण रस है। इसलिए मानो माला नहीं राधा रानी की जो प्रेम के द्वारा ही वो माला बना हुआ, इसलिए जगन्नाथ जी को ये भजन इतना प्यारा है। जगन्नाथ जी कान में जो कुंडल धारण करते, किस चीज की कुंडल है वो? कुंडल नहीं, कहते केवल उनकी कान में राधा रानी की कथा के सिवाय उनको कान में और कोई चीज प्रवेश नहीं करता है। इसलिए श्री जगन्नाथ जी कृष्ण तो जो माल जो कान का जो कुंडल नहीं, केवल राधा रानी के नाम महिमा रूपी कुंडल। इसलिए जो राधा रानी जो श्रृंगार करती हैं वो पूरा जगन्नाथ जी को जो प्रेम है, जगन्नाथ जी का जो पसंद है, केवल कृष्ण रंग में श्री राधा रानी रंगी हुई। इसलिए जगन्नाथ जी को ये भजन बड़ा प्यारा है। और एक लाइन गा लेते हैं, बोले जय जय देव रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा मतलब क्या है, क्यों इतना लोग जगन्नाथपुरी में एकत्रित होते हैं? कहते पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जो यात्रा है पृथ्वी का, ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। आप लोग कोई जगन्नाथपुरी गए हो? हाथ उठाओ तो कौन कौन गए हो? गए हो वहां पर देखना जितने लोग जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में होते हैं, और किसी यात्रा में आप इतने लोग कहीं देखते हो? कहीं पृथ्वी में कहीं भी नहीं देखोगे इतने लोग। और वहाँ पर जो जगन्नाथ जी को रसी होता है ना, एक एक रथ में 4-4 रसी में उसी देश का जगन्नाथपुरी का हूँ, वो 4-4 वहाँ पर जगन्नाथ जी के रथ में रसी, और आधा आधा मील। कहते माताओं को तो अंदर में घुस नहीं सकते, लेकिन हम लोग भी जो लड़के लोग हैं ना, रसी छुना भी, कितना रथ, 3-3 रथ में 4-4 रसी और आधा आधा किलोमीटर दूर तक रस्सी को छूना भी कठिन है, इतने लोगों का भीड़ है इतने। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जो यात्रा है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। कहते ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा है क्या चीज, ये रथ यात्रा की इतने महिमा क्यों है, कारण क्या है? कहते ये रथ नहीं मानो ये जगन्नाथ जी, कहते राधा रानी के हृदय है। जब श्री कुरुक्षेत्र में जिस समय सूर्य ग्रहण हुई, संपूर्ण पृथ्वी के लोग सूर्य ग्रहण में आए, वहाँ पर ब्रज के ब्रजवासी भी आए, वहाँ पर राधा रानी समस्त ब्रज गोपियाँ वहाँ पर आई, और कृष्ण भी द्वारका से वो भी अपना भक्तों को लेकर के पहुँचे, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में पहुँचे। इतने में कृष्ण को पता चला मेरे जो प्यारी श्री राधा रानी, क्योंकि कृष्ण ब्रज छोड़कर बहुत ही हो गया, अभी तक कृष्ण ब्रज में नहीं गए। कृष्ण तो बोल कर गए थे परसों आऊँगा, लेकिन वर्षों बीत गया लेकिन कृष्ण अभी तक ब्रज में नहीं आए। ब्रजवासी कृष्ण विरह में तड़फड़ा रहे हैं, कब श्री श्याम सुंदर से हमारे मुलाकात होगी, मिलन होगी। कृष्ण को जो पता चला मेरे ब्रजवासी ब्रज से नंद जसोदा गोपी मेरे सखा सखी ये सबके सब आए, अभी कृष्ण तो सुन करके पागल हो गए। अभी उन्होंने स्नान करके सूर्य ग्रहण के बाद में अभी श्री कृष्ण
अभी मिलने के लिए पहले नंद बाबा से मिले, फिर सखाओं को से मिले, फिर श्री गोपियों से मिले, जब श्री राधा रानी से श्याम सुंदर मिले, तब राधा रानी कहती बोले हे श्याम सुंदर, आप तो वही कृष्ण, मैं भी वही राधा हूँ। लेकिन जब वृंदावन में जहाँ पर जमुना कलकलनाद से जहाँ जमुना प्रवाहित हो रहे हैं, जहाँ कोयल कुहू कुहू कह रहे हैं, जहाँ मयूर के का कर रहे हैं, जहाँ पर बेली चमेली जूई बड़े सुंदर फूल जहाँ पर खिले हुए, जब वहाँ पर हम निकुंज में हम दोनों विलास करते थे, उसमें जो आनंद है वो आनंद यहाँ पर नहीं, क्योंकि आपका शरीर में तो कोई ब्रज का चिन्ह है ही नहीं, लगता है आप ब्रजवासी है ही नहीं, मयूर मुकुट कहाँ है, आपकी ये बंसुरी कहाँ, ये तो बंसुरी मयूर मुकुट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर तो सन्य सामद राज बेस आपकी ब्रज का श्रृंगार कुछ है ही नहीं, इसलिए है श्याम सुंदर, अगर हम हमें आनंद देना चाहते हो, आप मेरे हृदय रूपी रत्न दे, क्योंकि मेरे जो हृदय हैं वो हृदय हृदय नहीं, कहते आने रे हृदय मन मोर मन वृंदावन, इसलिए मेरे जो मन नहीं, मेरा मन ये वृंदावन है, अगर हमें आनंद देना चाहते हो, मेरे हृदय रूपी रथ में आप बैठो, मैं अपना हृदय में बैठा करके आपको हम कहाँ ले जाएंगे, श्री वृंदावन ले जाएंगे, अरे वृंदावन में जब जमुना किनारा में जब हम दोनों निकुंज में मिलेंगे तभी मेरे को आनंद होगा, इसलिए हे श्याम सुंदर आप रथ में बैठो और आपको ले चलते हैं, इसलिए ये जगन्नाथ जी रथ नहीं, ये जगन्नाथ जी राधा रानी के हृदय रूपी मंदिर में श्याम सुंदर बैठे हुए, और जो रथ को कौन खींच रहे हैं, साधारण व्यक्ति खींच नहीं रही थी, वहाँ के ब्रज गोपियाँ खींच रही थी, सबके सब ब्रज गोपियाँ रथ को खींचते हुए जगन्नाथ जी रथ को ले जा रहे हैं, इसलिए ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है ना, इसकी इतने महत्व है, हमारे पद्म पुराण में बताए बोले रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इसका मतलब है एक बार अगर जगन्नाथ जी को कोई रथ में दर्शन कर लिया कहते पुनर्जन्म न विद्यते, उसको जगत में दोबारा और जन्म लेना नहीं पड़ेगा, इतने महिमा रथ के ऊपर दर्शन करना, मैं उड़ीसा का हूँ, कोई जगन्नाथपुरी का हूँ, वहाँ पर हमारे देश में मना कर जो माताएं गर्भवती होती थी ना, उनको बोलते थे तू रथ यात्रा दर्शन करने मत जा, बोले क्यों, बोले जब जगन्नाथ जी रथ में बैठते हैं वो इतने प्रसन्न क्यों, अभी बड़े दिनों के बाद में जगन्नाथ जी राधा रानी के हृदय में बैठ करके अभी वो वृंदावन जा रहे हैं किससे मिलने के लिए, मैया जसोदा नंद बाबा ग्वाल बाल सखी सखाएं और राधा रानी से मिलने जा रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने खुश रहते जगन्नाथ जी, कहते अगर एक बार कोई रथ को कर दर्शन कर लेना उनका जो दृष्टि कभी जगन्नाथपुरी जाना, जैसे हम ठाकुर को भोग लगाते हैं कैसे स्क्रीन लगा करके अंदर में, ऐसे नहीं, कहते वहाँ रथ जितने दूर तक दिखाई पड़े वहीं से ही भोग जय जगन्नाथ बोल करके भोग लगा देते हैं, और जगन्नाथ जी उसको दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी उसको ग्रहण कर लेते हैं, इतने दयालु जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठते हुए इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहते ये और कोई नहीं, कहते राधा भाव रूपि सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जगन्नाथ महाप्रभु और कोई नहीं, वही श्री श्याम सुंदर कलियुग में राधा रानी के भाव और अंगकांति लेकर के केवल राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, केवल राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए कृष्ण स्वयं कलियुग में राधा रानी के भाव और अंगकांति लेकर के श्री सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में आते हैं, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसलिए ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा कोई साधारण नहीं, ये रथ यात्रा में आप लोगों ने जो किसी ना किसी रूप में जैसे रथ जो रस्सी को जो खींचे हमारे जगन्नाथपुरी में, ये जो रस्सी की इतने महत्व है, जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा होता है ना कभी जाकर के देखना, उनकी एक एक धागा को तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं, बोले क्यों, अगर किसी घर में अगर रस्सी को रख लिया तो वो घर में भूत पिशाच नहीं रह सकते हैं, किसका घुटन में दर्द हो शरीर में दर्द हो बड़े से बड़े बीमारी केवल जगन्नाथ जी के रथ के एक रस्सी उसमें के जो धागा है वो धागा को छीन छीन कर तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं, एक एक धागा की इतने महिमा, इसलिए कहते जो एक बार जगन्नाथ जी की रथ को खींच लिया समझो संसार में दोबारा उसका जन्म
लेना नहीं पड़ेगा। इतने महिमा जगन्नाथ जी रथ यात्रा की, पिछले अभी हमारे रथ यात्रा में कौन उनको बुला लो इधर, बुला लो। हरे कृष्णा, एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की, पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री राधेश। देखो श्री गुरु जी के सानिध्य में आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये हुआ है, और इस कार्यक्रम को जो पूर्ण करने के लिए विशेष विशेष जो सहयोग हुआ है, हमारे शालीमार गार्डन मेन के जो पार्षद जी हैं श्री सरदार सिंह भाटी जी, उनके हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। और जो यहाँ शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 के जो निगम पार्षद हैं पवन रेड्डी साहब, उनका भी हम विशेष विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। और मैं आप दोनों लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप आएँ और महाराज जी से प्रसादी रूप में आशीर्वाद ग्रहण करें, माला पहने। तो आप दोनों लोगों से मेरी प्रार्थना है, तो आप दोनों लोग आइए। और साथ में हमारे कालीचरण पहलवान जी हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है आप भी आएँ। और कैलाश यादव जी हैं भाजपा नेता, वो भी आएँ। और हमारे रवि भैया, रवि भाटी जी आ जाओ भैया। मैं विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कल से मुझे पूरा समय दिया है, और इनके लिए जोरदार तालियां आप सब लोग बजाइए, क्योंकि इनके ही बात बहुत बड़े उत्साह से हम लोगों ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया है। तो जोर से तालियां बजाइए एक बार, और हमारे आ जाइए बाबू जी। हरे कृष्ण। वो वहां से तो कोई है उधर, वहां माला ले आओ, तो तेरी माला ले आज अब मैंने प्रभु जी है ये। ये हमारे शालीमार गार्डन के निगम पार्षद जी हैं श्री सरदार सिंह भाटी जी, इनका बड़ा विशेष उपकार रहा। और हमारे पवन रेड्डी जी जो यहाँ शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 के निगम पार्षद हैं, और हमारे कालीचरण पहलवान जी, ये भी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के और श्री राम के। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राधे। और हमारे भैया कैलाश यादव जी आइए, और रवि भैया कहाँ गए, मेरे पास नहीं है। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलेंगे जय जय श्री राधे। हमारे आरडब्ल्यू ए के अध्यक्ष हैं बृंदेश्वरी ठाकुर जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अरे कृष्णा थोड़ी सी ये माइक तो वहां नहीं जाएगा ना। हरे कृष्णा आ जाएगा तो कहाँ खड़े होना। हरे कृष्णा पीछे टेंट बनाए, अब लोग थोड़ी सी अंदर में आ जाओ। जय सब जीवने के लिए बैठे हैं यहाँ पे पता लाओ। अच्छा जी राधे राधे। ले गुरु जी से अब तुम्हें मारो और रहन दो बहन जी, रहन दो। अरे नहीं ऐसे थोड़ी जाते।
ले लिया प्रसाद का रास्ता में भी और वहाँ से ले आप परेशान पता नहीं बोलते आप बैठ जाओ बैठो सब चलो तो बैठ जाओ माइक क्या नाम है दामोदर प्रभु वो पीछे आ सकता है क्या माइक जाओ गुरुजी कह रहे माइक के लिए कितना तो हो गया सर स्वागत कर दिया बजा दिया दिखाऊंगा आपको सुंदर तरीके से वो प्रिंट करके दूंगा आपको गिफ्ट आपके लिए गिफ्ट हो गए सुंदर सुदाम प्रभु सुदाम प्रभु सुदाम प्रभु मार नहीं तो गाड़ी में होना कठिन है चलो हम लोग चले जाते हैं समय नष्ट होगा हमको पहाड़ गज वाले ऊपर गए उसको बुला दो हम लोग प्रसाद व्यवस्था करते क्लोज कर दो हाँ इनको बंद कर दो क्यों चल रहा है।